અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ વરસાદની આગાહી છે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ આવી શકે છે। પવનની ગતિ 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહે છે એવી આગાહી છે। અમદાવાદમાં 14 અને 15મી તારીખે ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતાઓ છે। હવામાન વિભાગની આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે। ખાસ કેરી જે માર્કેટમાં આવી રહી છે એને વધારે નુકસાન આ વરસાદ કરશે। डेवन की बात करेंगे, गुजरात रीजन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो है वलसाड़, नवसारी, डोंग, दादरा नगर हवेली, दमन, दाहोद और छोटा उदयपुर। डे टू की बात करेंगे जहाँ पे गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो है वलसाड़, नवसारी, डोंग, सूरत, दादरा नगर हवेली, दमन, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल और आनंद। डे थ्री की बात करेंगे तो डे थ्री में सौराष्ट्र और गुजरात दोनों रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आइसोलेटेड रेन होंगी वो है बनासकांठा, साबरकांठा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नौसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। डे फोर की बात करेंगे जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है गुजरात और सौराष्ट्र दोनों जगह के लिए वो है बनासकांठा, महसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महसागर, नर्मदा और भरूच। और डे फाइव की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो गुजरात और सौराष्ट्र दोनों रीजन के लिए वो है अरावली, खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद, पंचमहल। डे सिक्स और डे सेवन की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो है जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर। बनासकांठाना पालनपुरनो मीरा गेट थी गणेशपुरा जतो रोड छेल्ला केटलाक वर्षोथी तूटेली